हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल फॉरवर्ड स्माइल। आज का वीडियो है कोविड 19 वैक्सीनेशन के ऊपर। तो ये वीडियो मैं टोटली अपने एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि वैक्सीन लेने से दिन के पहले से वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या मैंने प्रोसीड्योर फेस किया है, वैक्सीन लेने के बाद मेरे बॉडी में कुछ सिम्टम्स हुआ है कि नहीं। तो ये सारा मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आप लोग स्किप कर जाओ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप सबको पता है कि हमारे इंडिया में अभी तीनों वैक्सीन कोविड 19 के ऊपर अवेलेबल है। एक है कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड और तीसरी है स्पुतनिक भी। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे स्पुतनिक भी का परफॉर्मेंस बाकी दोनों से बेटर लगा। तो मैंने सोचा अगर मुझे प्राइवेट में वैक्सीन कोविड 19 की लेनी है तो मैं स्पुतनिक भी ही लूँगी। तो मैंने कोविन जो ऐप है उसके ऊपर मैंने सर्च किया तो मुझे स्पुतनिक भी सिर्फ अपोलो में अवेलेबल दिख रही थी, पर उसका फर्स्ट डोज जो है वो मुझे एक से डेढ़ महीने तक उसका अवेलेबल नहीं दिखा, सिर्फ सेकेंड डोज अवेलेबल दिख रहा था। तो मैंने एक से डेढ़ महीने तक उसको जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं उसे सर्च करती रहती थी, पर मुझे फ़र्स्ट डोज की अवेलेबिलिटी नहीं दिखी। तो मैंने फिर से अपोलो में कॉल किया, पर वहाँ से मुझे बाय फ़ोन बता दिया गया कि फ़ोन के थ्रू वो लोग कोई भी वैक्सीन का अपॉइंटमेंट नहीं बुक करते, जो भी हमें बुक करना है वो हमें उस ऐप के थ्रू ही करना है। तो मैंने फिर एक से डेढ़ महीने तक वेट किया तो फिर मुझे उसका फ़र्स्ट डोज का अवेलेबल एक से डेढ़ महीने तक भी नहीं मिला। तो मैंने डिसाइड किया दो महीने तक मैं वेट करूँगी, अगर उसके अंदर मुझे इसकी अवेलेबिलिटी मिल जाती है तो बेटर है, नहीं तो मुझे उसके बाद जो भी फर्स्ट मिलता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही क्यों ना हो मैं ले लूँगी वो वैक्सीन। तो फिर मैं दो महीने तक वेट किया पर मुझे तब तक भी स्पुतनिक वी की अवेलेबिलिटी नहीं दिखी। उसके बाद मुझे पता चला कि हमारे नज़दीक में गवर्नमेंट के थ्रू हमारी वैक्सीनेशन चल रही है हमारे वार्ड में। तो मैंने उस तब डिसाइड किया कि अभी मैं लेट नहीं करूँगी, गवर्नमेंट के थ्रू ही मुझे वैक्सीन मिल रही है तो मैं अभी गवर्नमेंट के थ्रू ही वैक्सीन ले लूँगी। पर मुझे डर था कि पता नहीं, बहुत लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि प्राइवेट में ही वैक्सीन लेना चाहिए, गवर्नमेंट के थ्रू वैक्सीन कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैंने बहुत सारे लोग भी ले रहे हैं अभी, तो मैंने डिसाइड किया है कि ठीक है ट्राई करते हैं, कुछ नहीं गवर्नमेंट के थ्रू ही वैक्सीन ले लेते हैं। तो वैक्सीन का जो दिन मेंशन किया गया था उस दिन आपको वोटर कार्ड और आधार कार्ड का जेरोक्स कॉपी एक एक करके आपके साथ रखना पड़ेगा। आधार कार्ड के ऊपर आपका नंबर तो होता ही है, अगर आपका नंबर चेंज हुआ है तो आपको वो नंबर वो लोग कहेंगे कि उस आधार कार्ड के ऊपर आप उस नंबर को लिख दो। तो इसके वो दो कॉपी लेकर आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तो हमारा लाइन जो था वो काफ़ी दिन लोगों से था, 100 से 150 लोगों का लाइन वहाँ पर था। तो पहली बात तो है वहाँ पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो नहीं रही थी, पर वैक्सीन की वजह से वो लोग वो सब मेंटेन भी नहीं कर पा रहे थे। तो लाइन में खड़ा होना पड़ता है, पर बहुत फास्ट लाइन निकल जाती है। आपको ज़्यादा देर तक मुझे लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ा। मुझे पता है कि मैं 12 o'clock लाइन में खड़ी हुई थी और 1 बजे के करीब मैं घर वापस भी आ गई थी वैक्सीन लेके। तो मैंने लाइन में खड़ा हुआ, जब मेरा टर्न आया वहाँ पर मुझे आधार कार्ड और वोटर कार्ड की कॉपी उन लोगों को सबमिट करनी पड़ी। वो लोग एक पेपर में जहाँ पर आपको कौन सी वैक्सीन दी जा रही है उसका नाम मेंशन किया हुआ है वो लिख देते हैं, आपका नाम लिखते हैं, आपके जो वैक्सीन का फर्स्ट डोज का डेट है वो डेट उन लोग मेंशन कर देते हैं, पर सेकेंड डोज आपको कब मिलेगा वो डेट वहाँ पर मेंशन नहीं हुआ है, पर कितने वीक्स के बाद आपको सेकेंड डोज लेना है वो लिखा हुआ है। डेट शायद वो लोग इसलिए मेंशन नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है उस बेसिकली उसी डेट में वैक्सीन अवेलेबल ना हो, पर वीक्स जो मेंशन किया गया है वो वीक्स लिखा हुआ है 6 weeks to 8 weeks, मतलब इस वीक्स के अंदर आपको वैक्सीन सेकेंड डोज का मिल जाएगा, जिसका इंफॉर्मेशन भी आपको आपके वार्ड में लोकल जो वॉलंटियर होते हैं उनसे मिल जाएंगे। तो मैंने वहाँ पर वो पेपर जो है वो पेपर आप लोगों को वो दे देते हैं, सेकेंड डोज के लिए आपको ये पेपर अच्छी तरह से रखना है।
फिर जाके मैं जहाँ पर वैक्सीन दी जा रही थी वहाँ पर जाके मैंने चेयर पर बैठी, तो वैक्सीन भी बहुत अच्छी तरह उन लोगों ने पुश किया, कोई भी पेन नहीं होती है वैक्सीन के। जो डर आप लोगों को लगता है शायद कि वैक्सीन लेने के टाइम बहुत पेन होता है, पर बिलीव मी कुछ पेन नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपको वैक्सीन लग जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा बहुत ही मतलब कम टाइम में, और कुछ भी आप लोगों को फील नहीं होगा। तो मैंने वैक्सीन ले लिया, वैक्सीन लेके मैं घर आ गई। तो वैक्सीन लेके घर आने के बाद भी तकरीबन 1 से 2 घंटे में मुझे कुछ फील नहीं हुआ। उसके बाद मुझे थोड़ा सा मेरे जो हाथ में वैक्सीन लगी हुई थी उसमें थोड़ा सा मुझे हल्का सा पेन महसूस होने लगा। तो मेरे घर वाले पहले से ही वैक्सीन लिए हुए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा थोड़ा बहुत हाथ में पेन होता है, वो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो आगे चल के जो हुआ मैं वो लोग आप वो बात चीज़ आप लोगों से शेयर करूँगी, तो वो है कि आप लोग ज़रूर अपने घर में पैरासीटामोल रखिए, क्योंकि कुछ लोगों को वैक्सीन लेने के बाद बुखार आ रही है, कुछ लोगों को नहीं भी आ रही है, पर आपको पैरासीटामोल घर में रखना ज़रूरी है कि बाय द चांस हो सकता है आपको रात में जाके बुखार आ जाए, तो इसलिए सेफ साइड के ऊपर आप पैरासीटामोल घर में रखिए। जैसे मुझे रात के 9 बजे के करीब बुखार आया था, तो बुखार ऐसा कुछ नहीं है कि बुखार में आप बिल्कुल भी कुछ भी ना कर पाओ, थोड़ा सा आपके शरीर में गर्मी होती है, वो थोड़ा सा 101 102 के करीब था, पर ऐसा कुछ मुझे वीक फील नहीं हुआ था, थोड़ा सा मेरा टेम्परेचर बढ़ा था। तो मैंने एक पैरासीटामोल लिया और रात 2 या 3 बजे के करीब मेरा बुखार भी उतर गया था। उसके बाद के दिन सुबह से मुझे कुछ फील नहीं हुआ, ना ही कोई बॉडी पेन है, ना ही कोई बुखार था, तो कुछ प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुआ। यहाँ पे मैं एक कुछ चीज़ आप लोगों के साथ बता देना चाहूँगी कि मैंने कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे की थी, वो है कि वैक्सीन जो है हमारे हाथ के ऊपर इस जगह पे लगाया जाता है, तो मुझे पता था कि वैक्सीन यहाँ पे दी जाती है, पर उस जब वैक्सीन का मुझे पता चला इतना रश के थ्रू मैं घर से निकल गई कि मैंने एक 3/4 स्लीव्स कुर्ती पहन के मैं चली गई। तो आप कोशिश कीजिए कुछ शॉर्ट स्लीव्स का आप पहन के जाइए, फिर स्लीवलेस अगर आप पहनते हो, अगर आप स्लीवलेस ना पहनते हो तो शॉर्ट स्लीव्स का कुछ पहन के जाइए, तो आसानी होगी आपको वैक्सीन लेने में। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये मिस्टेक मुझे बहुत फील हुआ कि मुझे ये ध्यान रखना चाहिए था कि मैं शॉर्ट स्लीव या स्लीवलेस कुछ पहन के जाओ वैक्सीन लेने के टाइम। तो आप ये गलती प्लीज़ मत दोहराइए, कोशिश कीजिए आप इस चीज़ को माइंड में रखने की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि बहुत से लोग आपको कहेंगे कि प्राइवेट वैक्सीन बेटर है, गवर्नमेंट वैक्सीन अच्छा नहीं है, पर मैंने खुद गवर्नमेंट के थ्रू वैक्सीन लिया है। अभी मुझे वैक्सीन लिए हुए 72 आवर्स हो गया है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि मुझे वही जो बुखार आया था रात को, वो भी 2 या 3 बजे के करीब पैरासीटामोल एक लेने से मेरा बुखार उतर गया। तो इतना सा ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा खुद भाई मेरा प्राइवेट के थ्रू उसने वैक्सीन लिया है, उसे भी सेम बुखार आया है, वो भी एक पैरासीटामोल लिया है तो बुखार उसका भी उतर गया है। तो मैं खुद अपनी घर की एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बता रही हूँ कि हमारे घर में खुद एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट वैक्सीन की आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि प्राइवेट वैक्सीन अच्छा है, गवर्नमेंट वैक्सीन अच्छा नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि जितना जल्दी हो सके आप COVID-19 की वैक्सीन ज़रूर ले लीजिए, और वैक्सीन लेना मस्ट है आप प्लीज़। और आपके आसपास भी अगर कोई वैक्सीन ना लिए हुए हो तो उनको भी आप इनकरेज कीजिए कि जल्दी से जल्दी जो भी वैक्सीन अवेलेबल मिलती है वो वैक्सीन वो भी ले लीजिए। तो ये वीडियो में मैं कोशिश की हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस और मैंने जो गलती की है वो आप लोगों के साथ शेयर करने की। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे परिवार में जुड़ जाइए, परिवार को और बड़ा बना दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड वेयर मास्क।